हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा थ्योरी है अगेन एंड अगेन अनदर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी मॉडर्न थ्योरीज में से दो कवर कर चुके हैं और उससे पहले क्लासिकल कर चुके हैं। नहीं देखा तो एक बार जाके उनको जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज का थ्योरी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। इस थ्योरी को डेवलप किया था, दिया था 1980s में दिया था। किसने दिया था? पॉल क्रुगमैन ने एंड केविन लैंकास्टर ने। ये तो नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना प्रोनाउंसिएशन में। तो 1980s में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी को एक और चीज बोलते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी को एक और चीज बोला जा रहा है, दैट इज न्यू ट्रेड थ्योरी। अब इस थ्योरी के बारे में हमारे मिस्टर इकोनॉमिस्ट ने क्या बात की थी वो देखते हैं। देखो, इन्होंने बात की थी कि दे फोकस, दे सेड कि द थ्योरी इज फोकस्ड ऑन एमएनसीज एंड देयर एफर्ट्स टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अगेंस्ट अदर ग्लोबल फर्म इन देयर इंडस्ट्री। ठीक है, आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो देखो, मेनली वाली थ्योरी बात करती है, फोकस करती है मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर। जो एमएनसी है, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं? पहली बात, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं जो मेनली मोर देन टू कंट्रीज में अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, टू और मोर देन टू कंट्रीज में जिनका जो बिजनेस है वो चलता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो मल्टीनेशनल उनका चलता है, अलग अलग नेशंस में उनका काम चलता है। इसमें सिर्फ सेल और मतलब एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं होता कि सिर्फ आपने सेल किया, एक्सपोर्ट्स किया, जो वो नहीं, उसको मल्टीनेशनल कंपनी नहीं। इनका जो बिजनेस है, ऑपरेशंस जो चलते हैं इनके, वो चलते हैं। यानी कि अपनी सब्सिडरीज, अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं अदर कंट्रीज में, फिर अपना बिजनेस रन करते हैं। मेनली जिनका हेडक्वार्टर होता है, जहां से जो कितना सेंटर ओरिजिन जहां पे रन करते हैं सारे, जो हेड ऑफिस होता है वो उनका होम कंट्री में ही होता है, बट इनके ब्रांचेस सब्सिडरीज जो होते हैं वो अलग अलग नेशंस में फैले हुए होते हैं। तो मल्टीनेशनल इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि मल्टी नेशंस में काम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस होता है वो एमएनसीज के ऊपर होता है। एमएनसीज के किस चीज के बारे में बात करते हैं कि एमएनसी को कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो गेन करना पड़ेगा। किसमें? ग्लोबल मार्केट में। अगर उनको बने रहना है तो कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो उनको लेना पड़ेगा। क्लियरली लिखा है एफर्ट, जो वो एफर्ट्स करते हैं किस चीज के लिए? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे। एक चीज कॉमन सी बात है ना, अगर मैं मार्केट में हूं, ग्लोबल छोड़ो, अगर मैं लोकल मार्केट में भी काम कर रही हूं और मेरे अगेंस्ट कॉम्पिटिशन है, तो मुझे अपने आप को उनसे बेहतर साबित करना पड़ेगा, सुपीरियर प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर्स जो है मेरे पास आएंगे। मल्टी ब्रांड्स है मार्केट के अंदर, बट मेरा जो ब्रांड है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे से किस तरीके से बेहतर है, मेरे पास क्या स्पेशल है कि उसको नहीं मेरे पास आओ। ठीक है, मेरे ब्रांड में क्या ऐसी चीज है, मेरी जो कंपनी है, मेरी जो फर्म है, वो क्या बेटर प्रोवाइड कर रही है जो वो मेरे पास आएंगे। तो ऐसा नहीं है यूं छोड़ के बैठ जाओगे, नहीं मुझे कुछ नहीं करना भाई, टिकना है मार्केट में, कंपटीशन को टक्कर देनी है, तो हाँ हमें उनसे अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना पड़ेगा, दैट्स फैक्ट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बात करते हैं कि उनके एफर्ट्स, वो मेहनत करते हैं, वो एफर्ट्स करते हैं किस चीज के लिए? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए, कि मुझे अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करना है अगेंस्ट अदर ग्लोबल फर्म इन देयर इंडस्ट्री। कि मेरी इंडस्ट्री में जो अदर फर्म है, मुझे अपने आप को उनसे बेहतर साबित करना है, कि नहीं उनके पास नहीं मेरे पास में आओ। तो ये जो है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, यहाँ पे आई ना राइवलरी जो हो गए, हम मुझे अपने आप को उनसे बेहतर सिद्ध करना है। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो बोलते हैं कि देयर इज अ फैक्ट, एक फैक्ट यहाँ पे है कि जो कंपनीज है उन्हें कंपटीशन में तो आना ही पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा का सामना तो करना ही करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना ही करना पड़ेगा। अब कंपटीशन फेस करने के लिए करेंगे तो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर जो है वो प्रूव करो कि हाँ मैं उस सामने वाले से बेहतर हूं, तभी काम जो चल सकता है। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, तो ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जो दूसरी वाली कंपनी है, मेरी कंपनी उससे क्यों बेटर है। सो द फैक्ट कि कंपटीशन भी होगा ग्लोबल लेवल पे, हम यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, या लोकल में भी चीजें होती है, तो इंटरनेशनल पे भी वाली चीजें होती है कि आपको दूसरे से अपने आपको बेहतर सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ेगा और अपनी सुपीरियोरिटी जो है उसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर इज अ फैक्ट। अब एक चीज आती है जो मैंने यहाँ पे लिखा, बैरियर्स टू एंट्री। तो अभी बैरियर्स टू एंट्री क्या है? जिन तरीकों से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन किया जा सकता है, होता है ना कि अगर मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन है, रास्ता पार करके जाना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बैरियर्स कठिनाइयां हमारे पास, तो वो क्रिटिकल वेज जिन तरीकों से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को
हासिल किया जा सकता है, उन तरीकों को बेसिकली बोला जाता है बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री वो ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल क्या, रुकावटें जो मुझे, जो किसी फर्म को मार्केट में घुसने के लिए उसको रुकावटों का सामना करना पड़ता है, रुकावटों को हम बोलते हैं बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, कि अगर आपने इन सब के ऊपर जीत हासिल कर ली, अगर आपने ये सारे काम कर लिए, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आप महाराजा हो। ठीक है, आप किंग हो मार्केट के, मतलब कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट होता है। ठीक है, और कोई बात नहीं, यानी कि जब आप सुपीरियर अपने आपको प्रूव कर सकते हो समवेयर। ठीक है, तो बैरियर्स टू एंट्री का मतलब क्या हुआ, वो ऑब्स्टेकल्स जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, कि ऑब्स्टेकल्स रुकावटें, वो वेज जिन तरीकों से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को हासिल किया जा सकता है। अब ये किस किस तरीके की रुकावटें हैं कि अगर हम उनको पार कर जाएंगे तो भाई हम सुपीरियर हो जाएंगे, तो उन कुछ रुकावटों का हमने यहाँ पे जिक्र किया है, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ वेज टू एंट्री के बारे में हम बात करें कि किस किस तरीकों से ये काम हो सकता है कि आप जो है वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले सकते हैं। बार बार कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ रहा है, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब आई होप कि आपको समझ आया, जो मैं बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, कि अपने आप को अपने कॉम्पिटेटर से बेसिकली बेहतर साबित करना है, कि उससे सुपीरियर खुद को दिखाना है, अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करना है मुझे यहाँ पे। तो पहला अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने बड़ा कलरफुल बोर्ड बना दिया तीन कलर्स का, इसके कंफ्यूजन और हो रही है क्या यूज करूं। ठीक है, चलो छोड़ो। ओनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली बात इसके अंदर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसको आप बहुत इजी वे में बोल सकते हो, क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है, बहुत साधारण भाषा में अगर मैं इसको बात करूं, लिखने की जगह नहीं छोड़ी मैंने। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है, क्रिएशन ऑफ माइंड, अपने माइंड की क्रिएशन, जैसे कि इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो इन्वेंशंस, पॉसिबल है। ठीक है, इन्वेंशंस होती है खोज करना, वो हमारे दिमाग की तो खोज होती है जो हम काम करते हैं। इनोवेशन राइटिंग होता है किसी चीज में इंप्रूवमेंट करना, बट इन्वेंशन खोज करना। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेंशन हुआ, कोई आर्टिस्टिक वर्क हुआ किसी का, ठीक है, किसी बंदे का आर्टिस्टिक वर्क हुआ, या कोई यूनिक फॉर्मूला हुआ किसी चीज का, जैसे कि मैंने समवेयर कहीं पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे कोका कोला हैव यूनिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, इनके राइट्स को हासिल कर दो। राइट्स में जैसे कि क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, कि अब मैंने काम करा, इन्वेंशन करी, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, इनके राइट्स को हासिल कर लो। ठीक है, कि अब यूनिक फॉर्मूला है, कोका कोला का यूनिक फॉर्मूला है तो वही यूज कर सकता है, मेरे पास कॉपीराइट है। ना, गानों पे कॉपीराइट आते हैं कि भाई वो गाना, वो अपने कॉपीराइट ले लेते हैं गाने के लिए, सॉन्ग्स के लिए। ठीक है, या जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए ट्रेडमार्क्स होते हैं, तो ये सारे होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स, के अपने इन्वेंशन करो, अपना आर्टिस्टिक वर्क करो और उनके राइट्स को अपने हाथ में ले लो। ठीक है, कि देखो ये है, ये यूनिक फॉर्मूला मेरा है, मैं ही इसे यूज कर सकता हूं, मेरा अधिकार है इसके ऊपर, कोई और यूज नहीं कर सकता। देखो, तो ये वाली चीज, ये वाली ब्रांड तुमको, ये वाली जो मेरी खोज की हुई जो चीज है वो तुम्हें सिर्फ मेरे पास मिलेगी, कोई और उसको नहीं बना सकता है। ठीक है, पेटेंट राइट है मेरे पास इसका, तो मैं यहां पे कुछ लिख दूं वैसे तो। ठीक है, किधर लिखूं? ठीक है, जैसे कि ट्रेडमार्क हुआ आपका, कॉपीराइट हुआ आपका, ठीक है, पेटेंट, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड होगी, कि मेरे पास इन सबके अधिकार हैं भाई, मेरे अलावा आपको ये चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी, मेरे पास आओ, मैं देखो इस मामले में दूसरे से बेहतर हूँ, मेरी चीज इस मामले में दूसरे से बेहतर है क्योंकि मेरे पास इसका अधिकार है, ये चीज कोई और नहीं बना सकता है, ये सिर्फ मेरे पास है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पहली बात उसको हासिल कर लो, हुई सुपीरियरिटी दूसरे से अपने प्रोडक्ट में, बट उसके लिए हाँ वो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे इन्वेंशन तो करो जो अपने हमें दूसरे से सुपीरियर बना दे। ठीक है, जो हम ऐसे बोले कि भाई मेरे पास है, मेरे पास से लेके जाओ। उसके बाद आता है अचीविंग इकोनॉमिक्स स्केल और स्कोप। अब इसमें एक चीज आती है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है, और स्कोप। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, पहली बात इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, ये कह लो कि जब कंपनी का प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंट होता है तो कॉस्ट एडवांटेज होती है, वो इकोनॉमिक स्केल होता है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट एडवांटेज एक फर्म को मिलती है अगर उसका प्रोडक्शन जो है बहुत एफिशिएंट होता है तो। ठीक है, अब देखो हम बात करें अचीविंग इकोनॉमिक स्केल और स्कोप। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मान के चलो एक रिटेलर है। ठीक है, अब एक रिटेलर अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकता है, अगर वो लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स हैं उसे परचेस कर ले तो। ठीक है भाई, हम बोलते हैं ना, अगर हम एक सिंगल यूनिट खरीदते हैं और हम बल्क में खरीदते हैं तो प्राइस का फर्क आता है, तो भाई रिटेलर है वो लार्ज में अगर गुड्स को खरीद रहा है तो कॉस्ट उसका रिड्यूस होगा, कॉस्ट जो है वो उसका कम होगा। अब उसके पास देखो क्या, उसके पास सेविंग बढ़ा, यानी क्योंकि भाई सीधी बात है ना, उसका कॉस्ट कम हुआ तो उसका सेविंग इंक्रीज हुआ। अब या तो वो सेविंग को खुद के पास रख ले, या फिर उस सेविंग को वो कस्टमर तक पहुंचा दे।
कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा? प्राइस को कम कर दो, ठीक है, यही तो तरीका। या तो भाई सेविंग में मैं रखूँ, प्रॉफिट मार्जिन में बराबर रखूँ, मस्त चल रहा है मेरा। लेकिन अगर मैं प्राइस को कम कर दूं तो सीधी बात है ना, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो अब उससे क्या होगा भाई, प्राइस कम हुआ लेकिन मैंने कंपटीशन ने अपने आप को एक स्टेप ऊपर किया। क्यों भाई? मेरा कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, अगर मैं प्राइस कम कर दूं तो सीधी बात है ना, मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो हम पढ़ते हैं ना प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप, मेरा प्राइस कम होगा तो डिमांड मेरे प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। तो ये होता है तुम्हारे पास में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज करना, और आपने अपना स्कोप बढ़ा लिया उस चीज के लिए। क्यों? मैंने यहाँ पे कंपटीशन में अपने आप को बेटर एक स्टेप ऊपर प्रूव कर दिया। तो इकोनॉमी सबसे समझे, अब इंटरनेशनल ट्रेड में भी यही होता है। जब हम इंटरनेशनल मार्केट तक जाके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लास्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग होती है, कॉस्ट पर यूनिट नीचे जाएगी मेरे पास में। अब कॉस्ट पर यूनिट नीचे जाएगी तो भाई मेरे पास एक कितना रूम क्रिएट हो गया, इंग्लिश में रूम ही बोलते हैं ना उसको, अगर स्कोप बढ़ गया हो गया तो मेरे पास एक रूम क्रिएट हो गया किस चीज के लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए रूम क्रिएट हो गया, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट मेरी कम आ रही है, अब वहां पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है भाई, मैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे काम कर सकती हूँ, ठीक है, मैं नई नई चीजों के ऊपर काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और स्कोप, आप समझे क्या होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस करना। अल्टीमेट अगर आप उसका शॉर्ट में बोलेंगे कॉस्ट रिड्यूस करना, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा तो आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, उसी से वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है। उसका यूज करना इंटरनेशनल ट्रेड में जाके, वो था अचीविंग इकोनॉमिक स्केल और स्कोप। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सा लूं? ब्लैक, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखो रिसर्च और डेवलपमेंट का रोल आपको पता होगा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनका काम हमेशा होता है नई नई चीजों पे काम करते रहना, रिसर्च करते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं प्रोडक्ट चलाया और लाइफ टाइम भाई चलेगा, हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी हमने समवेयर इस चीज के बारे में बात की थी, खोजबीन चलती रहनी चाहिए, रिसर्च हमेशा चलती ही रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट होता है बकायदा उस चीज के काम करने के लिए कि रिसर्च जो चलती रहती है, मार्केट रिसर्च हो, प्रोडक्ट रिसर्च हो, बहुत सारी चीज होती है उनपे काम चलता ही रहता है हमेशा। तो अब इन्वेस्ट करो उस चीज के ऊपर क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम जनरली बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उनका काम यही होता है भाई रिसर्च करो चीजों के ऊपर कि कैसे जो हमारी कंपनी वो बेहतर कर सकती है किसी काम के लिए। अब मैंने एक एग्जांपल इसका पढ़ा था, ठीक है, काफी उसमें पहले, तो वही एक बार बता देते, जैसे एक बोइंग है, ठीक है, मैंने नाम पढ़ा था, आई होप आई एम करेक्ट, ठीक है। सो बोइंग है, ठीक है, इस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जो है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो इस ये बहुत अच्छा एक एयरक्राफ्ट है, तो अपने उसमें क्यों है और ये बहुत जाना माना एयरक्राफ्ट है आपका बोइंग जो है, इसको बेशक आप सर्च भी कर सकते हो। तो बोइंग है एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी में आता है इसका। तो इसका इतना क्यों है? क्योंकि भाई इनकी जो रिसर्च डेवलपमेंट टीम है उन्होंने पूरी की पूरी जान झोंकी इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में, इसलिए तो कोई चीज इतनी बेहतर बन के आती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, वो बहुत बेहतर निकल के आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी होती है, उसके ऑपरेशन बहुत अच्छे होते हैं, गाड़ियां निकलती हैं नई नई, कहते ना उनमें इनोवेशन होती है, गाड़ियां निकलती हैं, तो उनका काम क्या होता है? रिसर्च ही तो होती है, रिसर्च करके ही तो चीजों के ऊपर काम किया जाता है। तो इनका रोल जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा होता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म है, जो इंडस्ट्री है, कोई भी फर्म है, वो रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करे सही तरीके से और ये अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करे तो डेफिनेटली बाकियों के ऊपर अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि सारी फॉर्म एक ही काम कर रहे हैं। अब ये कितना बेस्ट अपने आप को प्रूव करते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, वो डिपेंड करता है इनकी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को हासिल करने में। एक्सप्लॉइटिंग द एक्सपीरियंस कर्व, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग द एक्सपीरियंस कर्व, ये रहा एक्सप्लॉइटिंग द एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बंदा, एक शॉर्ट में लाइन है ना, ह्यूमन रिसोर्स ही फिजिकल रिसोर्स को बेहतर बनाता है, ठीक है। तो अगर फिजिकल रिसोर्स को बेहतर बनाना है तो ह्यूमन रिसोर्स तो बेस्टेस्ट होना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमेशा एक्सपीरियंस बंदों को, स्किल्ड बंदों को हायर करते हैं काम करने के लिए, कारण वही तो है, उनको अच्छा खासा सैलरीज दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा ही तो है, स्पेशलिस्ट ही तो है, जो उस काम में माहिर होगा वही तो वो काम करेगा। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए वो डेफिनेटली ना वो अपने एक्सपीरियंस बंदों को वहां पे लगाएंगे जो उस फील्ड में एक्सपीरियंसड होंगे सबसे ज्यादा। कहते ना सेल डिपार्टमेंट में वही होगा जो मार्केटिंग में, वही होगा जो मार्केटिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। क्यों? क्योंकि फील्ड में एक्सपीरियंस होगा तभी तो वो उस फील्ड में अपना 200% अपनी एफिशिएंसी को प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। वो आपने आई थिंक वो डायलॉग भी सुना होगा ना कि अगर उसको, सॉरी मैं भूल गई हूँ, कि बैट बॉलर को अगर सिंगर बना दो तो वो क्या करता है, आई थिंक मूवी का डायलॉग है किसी, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ,
तो भाई एक्सपीरियंस बंदा फॉर्म जो है वो एक्सपीरियंस बंदों को बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली हायर करते हैं. रीजन क्योंकि एक्सपीरियंस जो बंदा है, जो ह्यूमन बेस्ट रिसोर्स होगा, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, वो ऑब्वियसली बाकी चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाएगा. इसमें भी तो बेस्ट जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, बेस्ट जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, वो यहाँ पे बेहतर तरीके से काम कर पाएगा. इसमें भी तो इकोनॉमिक स्केल का यूज वही कर पाएगा जो हाँ उस चीज को समझ पाएगा इकोनॉमिक स्केल को, कि कॉस्ट रिड्यूस करना है तो कैसे करना है, कॉस्ट रिड्यूस हुआ है तो जो मुझे सेविंग्स हुआ है, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, उसको मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, वो इस काम को बेहतर कर पाएगा. इन्वेंशन करने के लिए भी तो एक बंदे का दिमाग ही चाहिए, कि एक बंदा अगर इन्वेंशन कर रहा है, एक बंदे का आर्टिस्टिक वर्क है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो कैसे करेगा. तो ऑब्वियसली बात है, एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स, ह्यूमन रिसोर्स ऑलवेज मैटर्स. सो अल्टीमेटली जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी है वो किस चीज के बारे में बात करते हैं, वो बार बार एक ही बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, कि कैसे जो है हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में. उनको एक मल्टीनेशनल कंपनीज को कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए. ऐसा नहीं है एक बार काम किया और फिर छुट्टी, ये चीजें कंटिन्यूअसली प्रोसेस में चलती ही चलती रहती हैं हमेशा. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, कि आई होप आपको समझ में आया होगा. नहीं आया हो या कोई भी क्वेरी हो, सो लीव योर कमेंट और क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय.